नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 19-1-2020 को जब मानव श्रृंखला का एक तरीके से बिहार ने अनावरण किया, मानव श्रृंखला बना के नए नए रिकॉर्ड बना रहा था, ठीक उसी वक्त प्रगति बाल विकास योजना के रीजनल हेड संजीव कुमार सिन्हा ने मानिकपुर पंचायत के वार्ड नंबर 2 में एक अनाथ बच्ची नीलम कुमारी की सहायता जो है शादी के लिए 5100 रुपए का चेक और 2 जोड़ा कपड़ों को देकर के इस अवसर पे उनके साथ उनके सहयोगी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री अरविंद कुमार शाह और मुखिया उषा देवी के साथ जो है उन्होंने रहते हुए ये मदद पेशकश की और उन्होंने घोषणा की कि नीलम कुमारी को सेविका के पद पर जल्द ही उनकी नियुक्ति भी की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि प्रगति बाल विकास विद्यालय के नाम से प्रगति बाल विकास योजना चल रही है, बाल विकास योजना चल रही है, ये अभी झारखंड में इसका विस्तार हो रहा है, बिहार में इसका पूरे तरीके से विस्तार हो रहा है और इसके रीजनल हेड संजीव जी ने हमें बताया कि उनका लक्ष्य है कि किस तरीके से बेसहारा और अनाथ बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करवाएं और स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए गरीब महिलाओं को सेविका और सहायिका के पद पर नियुक्ति बराबर जो है वो की जा रही है। देखिए